हेलो एंड वेलकम टू सी डी टी एफ बी। दोस्तों, कोरल डॉ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स की एक नई क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आजकल थोड़ी टाइम की कमी की वजह से मैं बहुत ही कम वीडियो बना पा रहा हूं, बहुत ज़्यादा नहीं ला पा रहा हूं आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो। तो कोशिश करूँगा जैसे ही मेरा टाइम थोड़ा सा फ्री हो जाएगा तो मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी वीडियो लाता रहूँगा। अगर कोई ख़ास वीडियो आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा वीडियो के नीचे, मैं उस तरह का वीडियो बनाने की आप लोगों के लिए कोशिश करूँगा। सभी का तो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन जिन लोगों के लिए बना पाऊँगा, जिन लोगों का मुझे मिल जाएगा मैसेज जल्दी ही, तो मैं उसी पर वीडियो बना दूँगा। तो देखिए, सबसे पहले आज मैं सिखाऊँगा इस तरह का क्यू है ये लेटर, इसका एक ये इस तरह का इफ़ेक्ट डालना, कैसे आप इस तरह का इफ़ेक्ट डालकर डिज़ाइन बना सकते हैं टेक्स्ट के लेटर्स के। तो ये टेक्निक आपको बताऊंगा मैं, ये ट्रिक्स आपको समझाऊंगा थोड़ी सी, बहुत ज़रूरी है, बहुत मज़ेदार हैं, इसको और भी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं इस लेटर का, आपको अगर इस तरह का कॉम्ब इफेक्ट बनाना है तो ये कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। बहुत जल्दी बन जाता है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ सभी लेटर्स टाइप किए हुए हैं, किसी भी लेटर का मैं बना सकता हूँ इनमें से जो भी आप चाहें। ये सब टाइप हुए हुए हैं फॉन्ट, और ये एरियल ब्लैक फॉन्ट है, मैंने एरियल ब्लैक फॉन्ट सेलेक्ट किया है क्योंकि थोड़ा सा बोल्ड होता है, बोल्ड में इफेक्ट अच्छा बनेगा। तो मान लीजिए कौन सा कोई भी टेक्स्ट ले सकते हैं हम, या तो डी ले सकते हैं, एम ले सकते हैं, एन ले सकते हैं, जो भी दिल चाहे। मैं एक दो कोशिश करूँगा कवर कर सकूँ इस वीडियो में। सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ, चलिए डी एक लेटर ले लेते हैं हम। ये देखिए, मैं इसको एक अलग पेज पर ले आता हूँ, डी की कॉपी कर ली है मैंने, एक न्यू पेज क्रिएट कर लेता हूँ और मैं यहाँ बड़ा कर लेता हूँ इसको, डी को, ये देखिए थोड़ा सा इतना बड़ा कर लेता हूँ ऐसे ही। ये लगभग देखिए, इसकी हाइट मैं इसकी 4 इंचेस कर देता हूँ, चलिए इतना बड़ा कर दिया, 4x3.682। अब इसमें क्योंकि मुझे कॉम इफेक्ट डालना है तो उसके लिए मुझे कुछ लाइन्स ड्रॉ करनी होंगी। देखिए, एक चीज़ बहुत अहम मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई है, ये समझ लीजिएगा, एक बार फिर बता रहा हूँ। इसमें हम दो चीज़ों का यूज़ करेंगे, एक तो आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए मैं आपको बता दूँ, आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। एक आउटलाइन देखिए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, आपको टेक्निक बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ कंट्रोल के साथ, मैंने 2 पॉइंट वाली लाइन ली है सिंपल, और ये मैं लेफ्ट टू राइट ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसी तरह एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ, इस बार राइट टू लेफ्ट ड्रॉ करूँगा। इसमें फ़र्क ये है, इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है, और इस वाली लाइन का, टॉप वाली का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है, यानी कि लेफ्ट और राइट के स्टार्टिंग पॉइंट्स का फ़र्क है सिर्फ। लेकिन इसको सिर्फ इतने से फ़र्क से आपके इफेक्ट में फ़र्क पड़ जाता है काफ़ी। दूसरी चीज़ हम यूज़ करेंगे यहाँ आर्टिस्टिक मीडिया, ये आर्टिस्टिक मीडिया का ये लेफ्ट वाला, देखिए मैं जूम कर दिखा दूँ आपको, ये मैंने ये वाला सेलेक्ट किया आर्टिस्टिक मीडिया, ये देखिए ये वाला, उसके बाद ये मैंने आर्टिस्टिक मीडिया का ये वाला इफेक्ट यूज़ करूँगा, ये देख सकते हैं आप, और इसके अंदर इस कैटेगरी में जाकर मैं इफेक्ट डालूँगा। तो चलिए, सेलेक्ट करा मैंने आर्टिस्टिक मीडिया, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने इसका ये वाला ब्रश, और यहाँ बहुत सारे प्रीसेट्स पहले से ही मौजूद होते हैं तो इसमें हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो यूज़ किया है ये वाला किया है। तो देखिए, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट का फ़र्क क्या होता है, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ मैंने ये ऐड कर दी एक वैल्यू इतनी, और फिर मैंने इस पर क्लिक किया और इस पर भी अप्लाई कर दिया मैंने, सेम वैल्यू कर देता हूँ 12। ये देखिए, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट ये था तो इस तरह से है, और राइट नीचे वाले में स्टार्टिंग पॉइंट ये था तो राइट टू लेफ्ट एज बारीक हो रही है, इधर से इधर बोल्ड है और इधर थिन हो गई। तो ये हमारे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का फ़र्क है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है राइट वाला। इसी तरह यहाँ जब आप सेलेक्ट करेंगे, और ये देखिए बोथ साइड है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो दोनों सेम हो जाएंगी, लेकिन जहाँ आप वन साइड एज वाला सेलेक्ट करेंगे, देखिए मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा तो ये फिर वही हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट ये और एंड पॉइंट, यानी कि लेफ्ट वाले जितने भी हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट हैं आपके, और राइट वाले एंड पॉइंट। तो यहाँ से जो भी हम सेलेक्ट करेंगे वो इस तरह काम करेगा, ये देखिए ये रहा। उम्मीद है टेक्निक आपके समझ आ गई होगी।
अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं टू पॉइंट वाली लाइन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ इस बार एक थोड़ी सी लंबी लाइन, अंदाजे से मैंने एक आइडिया से मेरे इस लेटर से लंबी लाइन होनी चाहिए, काफ़ी लंबी मैंने देखी ड्रॉ की है, इतनी लंबी है लेफ्ट टू राइट। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये था, लेकिन मैं नहीं, ये नहीं चाहता हूँ, मैं लेफ्ट राइट टू लेफ्ट ड्रॉ करूँगा। देखिए गलत हो गई थी, मैं ये चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ इस तरफ से बोल्ड हो मेरी लाइन और इस तरफ से बारीक हो, तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ये रखा है और ये एंड पॉइंट रखा है। अब मैं माउस के साथ ड्रैग करूँगा इस लाइन को थोड़े से गैप के साथ, एक आइडिया से। अगर आप लाइन को एक खास स्पेस पे रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, मैं एक आइडिया से रख रहा हूँ सिर्फ, बहुत ज़्यादा गैप नहीं दे रहा हूँ मैं। और मैं इसको कंट्रोल आर के साथ माउस से मैंने डबल क्लिक करके कॉपी कर दिया, और कंट्रोल आर रिपीट से मैं यहाँ कॉपी कर लूँगा बहुत सारी। ये देखिए इस तरह कंट्रोल आर से मैंने कॉपी कर ली, बहुत सारी कॉपीज हो गई है। एक तरीका ये होता है, मैं इसको ग्रुप कर लूँगा, आप ग्रुप भी कर सकते हैं या आप इसको डायरेक्ट कंबाइन भी कर सकते हैं इस तरह वेल्ड करके। ये देखिए हो गया वेल्ड। अब मैं इसको इसके सेंटर में इक्वल, सेंटर सी से और ई से इक्वल कर लूँगा। ये देखिए हो गया सेंटर, लेकिन ये स्ट्रेट है। देखिए आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इसको, मैं इसकी कॉपी यहाँ भी रख लेता हूँ, देखिए इस पर भी डालकर दिखाऊंगा मैं ये इफेक्ट। लेकिन जो मैंने बनाया था, मैंने 45 डिग्री पर इस लाइन को, आउटलाइन को एंगल पर रोटेट किया 45 डिग्री, देखिए तो ये इस तरह रोटेट हो गई। और इसको सेंटर इक्वल इस रेड वाले के कर लीजिए, बिल्कुल सही है। अगर कोई ख़ास प्लेसमेंट आप चाहते हैं, इसको मूव कर अपनी पसंद से प्लेस कर लीजिए, जैसे लाइन आप चाहते हैं यहाँ पर इस जगह आनी चाहिए कहीं इतने गैप पर, तो ये आ जाएगी, और यहाँ पर इस जगह तक आनी चाहिए, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये जब हो जाएगा तो मैं इन लाइन को डीसेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि अनसेलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ भी सिलेक्ट नहीं है। अब मैं इस लेटर को सिलेक्ट करूँगा, पहले रेड वाले को, ये सिलेक्ट कर लिया मैंने रेड। अब इस आउटलाइन वाले को सिलेक्ट करूँगा साथ में, और अब यहाँ से ये मैं इंटरसेक्ट करके बीच वाले से निकाल लूँगा। देखिए इंटरसेक्ट किया मैंने, तो ये मुझे ये आउटलाइन क्रॉप होकर मिल गई इस शेप के अंदर डी के, देखिए कितनी सफाई के साथ क्रॉप होकर मुझे मिल गई है। अब मैं इस आउटलाइन को यूज़ करूँगा, इस सबको मैं हटा लेता हूँ, बाहर रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए ये मैं यूज़ करना है सिर्फ, मेरे काम का ये है, उसको मैंने इसलिए साइड रख दिया। देखिए यहाँ आउटलाइन हल्की सी छोटी मुझे लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये क्योंकि मेरा कंबाइन है पूरा वेल्ड हुआ हुआ एक साथ, तो एक साथ इफेक्ट आ जाएगा इसमें। मैंने ये आर्टिस्टिक मीडिया सेलेक्ट किया, और यहाँ से कोई भी इफेक्ट मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, अगर टॉप वाला चाहूँ सबसे ये भी ले सकता हूँ। ये देखिए इस तरह का इफेक्ट बनकर मिल जाएगा। अब इसके साथ थोड़े से एक्सपेरिमेंट मैं कर सकता हूँ। देखिए एक ये मैंने ले लिया, और इसकी कॉपी कर लीजिए आप, ये मैं एक कॉपी और कर लेता हूँ। कितने सारे एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, देखिए मैं कैनवास थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, 100x100 कर देता हूँ, ताकि पीछे की आउटलाइन ना दिखे आपको। और अब इस पहले वाले को हम 0.12 है, तो मैं इसको बारीक कर लेता हूँ। ये देखिए ये जितना बारीक करेंगे उतना फाइन हो जाएगा, ये देखिए, और बारीक भी कर सकते हैं लेकिन इतना काफ़ी है, अच्छा लग रहा है। और इस वाले को एक राइट साइड लेफ्ट साइड कॉपी कर रहा हूँ, और ये 12 की जगह मैं 16 कर देता हूँ, देखिए सीधा, तो ये और ज़्यादा बोल्ड होकर कुछ इस तरह का स्पेशल इफेक्ट बन जाएगा बिल्कुल। देखिए आप, ये फाइन कॉम्ब इफेक्ट है ये। अब अगर किसी भी टाइम आप चाहें इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से इफेक्ट को, ये देखिए बोथ साइड ऐसा लगा सकते हैं आप, ये इस तरह का कुछ बन जाएगा। इसको फाइन कर लीजिए ज़्यादा, जैसा इफेक्ट आपको चाहिए, आप जहाँ सेटिस्फाई हों। फिर यहाँ से दूसरा भी चेंज कर सकते हैं, देखिए और ज़्यादा फाइन है ये फाइन लाइंस हो गई हैं। जो इफेक्ट आपको चाहिए यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सबसे बॉटम वाला लेता हूँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये मुझे फिनिश लाइन है, क्योंकि इसकी एजेस बहुत स्ट्रेट आ रही हैं, इसकी राउंड है, तो मुझे फिनिश ज़्यादा अच्छी लग रही है लाइन ये। देखिए इसकी थिकनेस मैं थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये मुझे इस तरह। ये देखिए ये 7 कर लेता हूँ मैं। तो इस तरह आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं इफ़ेक्ट, और जब आप इससे सेटिस्फाई हो जाएं कि ये आपका फाइनल इफेक्ट है या ये फाइनल इफेक्ट है, तो आप इसको राइट बटन क्लिक करके ब्रेक अपार्ट कर सकते हैं आर्टिस्टिक मीडिया को, तो ये इस तरह सेपरेट हो जाएगी, ये आउटलाइन वाला आपको अलग हो जाएगा ये, और ये आपका इफेक्ट अलग हो जाएगा। अब इसके कलर फिल हैं आपके, किसी भी टाइम आप चेंज कर सकते हैं कोई भी कलर जो आपको पसंद हो। देखिए इस तरह,
अब इस वाले पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, स्ट्रेट वाले पर भी इसी तरह। फिर मैं इसको रेड को सिलेक्ट करूँगा, आउटलाइन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इंटरसेक्ट करके इसको निकाल लूँगा डिफाइन करके। ये देखिए ये आ गई, और इसके ऊपर मैं यहाँ पर आर्टिस्टिक मीडिया, वो स्ट्रेट वाला मुझे बहुत पसंद आया है, ये मैं ये वाला अप्लाई कर लूँगा थोड़ा सा। देखिए कितना बोल्ड है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये मुझे अच्छा लगा तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा। तो ये इस तरह काम करता है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी टेक्निक। इसी तरह किसी भी लेटर के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मान लीजिए W हो सकता है, मेरे नाम का लेटर W है, यहाँ पर W पर आप इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये W लेकर आता हूँ। देखिए एक और पेज क्रिएट कर लेता हूँ और ये थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। आउटलाइंस मेरे पास क्रिएट हुई भी हैं, ये यहाँ पर ये देखिए ये है मेरे पास ऑलरेडी, इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि दोबारा क्रिएट ना करनी पड़े। और जल्दी से मैं फर्स्ट पेज पर ले आऊँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। और ये देखिए इसके ऊपर, अब ये इस पर छोटी है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। ये देखिए अब ये मेरे इस शेप से ओवर हो गई है, तो अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको रेड को सिलेक्ट करूँगा, ब्लैक आउटलाइन को सिलेक्ट करूँगा और ये डिफाइन करके निकाल लूँगा शेप। बेसिकली मुझे इस शेप की जो लेटर चाहिए उसमें आउटलाइन मैंने ड्रॉ कर ली एक ख़ास स्पेस के हिसाब से, और अब यहाँ पर मैं कुछ भी इफेक्ट इसमें से डाल सकता हूँ। ये देखिए मैंने ये यूज़ कर लिया है, ये यूज़ कर सकते हैं हम राउंड लाइन्स, देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं ये भी, इस तरह का इफेक्ट बना रही है बहुत अच्छा। ये वाली लाइन लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी स्ट्रेट एजिस के साथ, या टॉप वाली सबसे बहुत अच्छी है ये, मुझे ये बहुत अच्छी लगी राउंड एजिस के साथ। तो दोनों में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, और लाइन क्लोज कर देंगे, ज़्यादा स्पेसिंग इनकी कम होगी तो और अच्छा इफेक्ट बनेगा। अलग अलग जैसे आपकी ज़रूरत होगी वैसा बना सकते हैं। तो ये आज की टेक्निक थी वीडियो, सिर्फ इतना ही था आज के वीडियो में। देखिए कितनी आसानी से हमने कितना खूबसूरत इफेक्ट बना लिया। ये मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और नेक्स्ट पेज पर पेस्ट कर दी मैंने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के साथ। ये देखिए दोनों लेटर कितने अच्छे लग रहे हैं, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। देखिए तो ये राउंड कॉर्नर के साथ है डब्ल्यू, और ये स्ट्रेट एजिस के साथ है डी। तो आज के ट्यूटोरियल में सिर्फ वीडियो में इतना ही था, नई वीडियो फिर आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। लेकिन आप मेरे चैनल और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए नए ट्यूटोरियल्स नए वीडियोस लाता रहूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये ट्रिक पसंद आई होगी। नई वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, देखते रहिए CDTFB। थैंक यू फॉर वॉचिंग CDTFB।